वेलकम दोस्तों, गूगल पिक्सल 8 प्रो जो स्मार्टफोन है इसकी लाइव हैंड्स ऑन इमेजेस लीक हो गई है, जो कि आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो फर्स्ट लुक तो काफी ज्यादा मस्त है, वही गूगल का लगभग सिमिलर डिजाइन ही आपको इसमें देखने को मिलता है। और इसके ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस तो पहले मैंने आपको बताए थे, लेकिन एक बार फिर से देख लो। और स्मार्टफोन तो कुछ भी कहो, काफी ज्यादा मस्त है। इस स्मार्टफोन के बारे में आपको कोई ओपिनियन हो तो आप मुझे जरूर से बताइएगा। Nothing Phone 2 जो स्मार्टफोन है इसका ऑफिशियल लुक सामने आ चुका है, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो देख लो। और MKBHD करके एक बड़े यूट्यूबर है, उन्होंने इसका लाइव हैंड्स ऑन वीडियो अपलोड किया है यूट्यूब पर, तो आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। और Nothing Phone 1 में और Nothing Phone 2 में आपको कोई भी चेंजेस देखने नहीं मिलते हैं, दोनों में सेम ही डिज़ाइन आपको इसमें देखने मिलते हैं। कुछ फीचर्स में हमें अलग अलग देखने मिलते हैं, लेकिन डिज़ाइन आपको सेम ही देखने मिलने वाली है। तो स्मार्टफोन का फर्स्ट लुक तो Nothing Phone जैसा ही है। खैर, आपको स्मार्टफोन का फर्स्ट लुक कैसा लगा आप मुझे जरूर से बताइएगा। Realme GT Neo 6 जो स्मार्टफोन है ये काफी जल्दी लॉन्च होने वाला है, और आज इस स्मार्टफोन के कुछ फर्स्ट लुक रेंडर्स और साथ ही ऑफिशियल की स्पेसिफिकेशन सामने आए हैं, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस स्मार्टफोन में आपको 1.5K OLED डिस्प्ले देखने मिलेगी, 144 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट देखने मिलेगा, स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 डिस्प्ले देखने मिलेगा, एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स देखने मिलने वाला है, और साथ ही 100 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट रहने वाला है। और इस स्मार्टफोन के डिजाइन की बात करें तो ये लगभग हमें कुछ पोको के स्मार्टफोन जैसा ही देखने मिलता है। खैर, देखते हैं स्मार्टफोन हमें और क्या कुछ देखने को मिलता है। सैमसंग का स्लाइडेबल फोन हमें काफी जल्दी देखने को मिलने वाला है, क्योंकि सैमसंग की तरफ से कुछ नए ट्रेडमार्क सामने आए हैं, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें वही सेम ओप्पो की तरह ही टच करने पर ये स्मार्टफोन स्लाइड होगा, फिर अनस्लाइड होगा, वो सेम ही आपको प्रोसेस देखने मिलेगा। और फर्स्ट लुक तो काफी ज्यादा मस्त लग रहा है, ये स्मार्टफोन हमें काफी जल्दी देखने मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा, लेकिन अभी मुझे लगता है ये हमें 2024 के अराउंड ही हमें देखने मिलेगा। तो स्मार्टफोन के बारे में आपका क्या रिएक्शन है, आप स्मार्टफोन का कितना वेट करें आप मुझे जरूर से बताइएगा। Moto Razr 40 और Moto Razr 40 Ultra दोनों ही स्मार्टफोन ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च हो गए हैं। तो सबसे पहले आप Moto Razr 40 स्मार्टफोन के कुछ फर्स्ट लुक इमेजेस और साथ ही ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। और स्मार्टफोन के प्राइसिंग की बात करें तो ये स्मार्टफोन आपको 59,999 रुपीज में देखने मिलता है। और अब आप Moto Razr 40 Ultra जो स्मार्टफोन है इसके कुछ फर्स्ट लुक इमेजेस और साथ ही ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस स्मार्टफोन के प्राइसिंग की बात करें तो अराउंड 79,999 रुपीज के अराउंड हमें देखने मिलता है। तो दोनों स्मार्टफोन की प्राइसिंग तो काफी अच्छी है। खैर, इन स्मार्टफोन में आपको कुछ डिस्काउंट भी हमें देखने मिलते हैं, उसकी सारी डिटेल आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये स्मार्टफोन तो मुझे तो काफी ज्यादा अच्छे लगे। अगर आपको फ्लिपेबल फोन का शौक है तो आप इन स्मार्टफोन को 100% खरीद सकते हैं, काफी अच्छे स्मार्टफोन है। अगर आप इन स्मार्टफोन को खरीदेंगे तो आप मुझे जरूर से बताइएगा, नहीं खरीदेंगे तो भी आप मुझे जरूर से बताइएगा। जियो भारत 4G करके जियो का नया कीपैड 4G स्मार्टफोन हमें काफी जल्दी देखने मिलने वाला है, और आज इसके कुछ फर्स्ट लुक इमेजेस और साथ ही रिटेल यूनिट के कुछ लाइव इमेजेस आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इन स्मार्टफोन के कुछ रिचार्ज प्लान भी आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें कि 123 रुपीज में आपको 28 डेज तक आपको अनलिमिटेड कॉल्स और साथ ही 14 GB डाटा देखने को मिल जाएगा, और 1234 रुपीज में आपको एक साल के लिए अनलिमिटेड कॉल्स और साथ ही 0.5 GB डाटा डेली आप देख सकते हैं। और प्लान भी काफी हैं और स्मार्टफोन भी काफी अच्छा है, मेरे अकॉर्डिंग तो काफी अच्छा है। अगर आपके यहां कोई भी कीपैड स्मार्टफोन चलाना पसंद करते हैं तो आप उन्हें यह स्मार्टफोन दे सकते हैं, और जियो का स्मार्टफोन है तो अच्छा होगा ही। तो खैर, स्मार्टफोन काफी अच्छा है, आप उन्हें दे सकते हैं। थ्रेड्स करके इंस्टाग्राम का एक नया सोशल ऐप ऑफिशियली कंफर्म 6 जुलाई को लॉन्च होने वाला है। और ये थ्रेड्स एक ऐप है जो कि सेम टू सेम आपको ट्विटर के जैसा ही देखने मिलेगा। इसमें भी आप ट्विटर की तरह ही टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस वगैरह पोस्ट कर सकते हैं, सेम टू सेम ट्विटर की तरह ही पोस्ट कर सकते हैं। ट्विटर की एक कॉपी ही समझ लो और ट्विटर का एक कंपटीशन समझ लो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि आजकल ट्विटर की मोनोपोली कितनी बढ़ती जा रही है आप यहाँ देख ही सकते हैं। आजकल वो अभी इनके पोस्ट लिमिट प्लान्स भी आए थे, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। मार्केट में जितना कंपटीशन होता है उतना ही सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है हम जैसे लोगों के लिए और सबके लिए सही बात रहती है। तो देखते हैं, इनके फर्स्ट लुक तो आपने देख लिए होंगे इस ऐप के, तो देखते हैं इस ट्रेड्स ऐप में हमें क्या कुछ और नया देखने को मिलता है। Honor Magic V2 जो स्मार्टफोन है ये ऑफिशियली 12 जुलाई को चाइना में लॉन्च होने वाला है, और आज इसके बैक कवर की कुछ लाइव इमेजेस सामने आई है, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिससे आप इसके डिजाइन और लुक का अंदाजा लगा ही सकते हैं। तो देख लो, Honor Magic V2 स्मार्टफोन आपको कुछ ऐसी डिजाइन में देखने को मिलने वाला है।
ओप्पो रेनो 10 प्रो स्टार साउंड एडिशन आज ऑफिशियली चाइना में लॉन्च हो गया है, जिसके कुछ लाइव इमेजेस और साथ ही ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। और स्मार्टफोन के प्राइसिंग की बात करें तो चाइना में ये 3899 युआन में लॉन्च हुआ है और इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो अराउंड आपको 44100 रुपीज़ के अराउंड हमें देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी प्राइस है चाइना के अकॉर्डिंग, तो काफ़ी अच्छी प्राइस है। और ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा या नहीं इसकी अभी तक कोई भी ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं मिली है, और ये इंडिया में लॉन्च हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा ही आ जाएगा। तो स्मार्टफोन मुझे तो काफी ज्यादा मस्त लगा, फर्स्ट लुक भी काफी ज्यादा मस्त लगा। आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा आप मुझे जरूर से बताइएगा। सैमसंग गैलेक्सी S21 FE जो स्मार्टफोन है, इसका स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर वाला वेरिएंट हमें काफ़ी जल्दी देखने को मिलने वाला है, और आज इसका लैंडिंग पेज भी सामने आ चुका है जो कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये स्मार्टफोन हमें इंडिया में 49999 रुपीज़ के अराउंड देखने मिलेगा, जो कि यहाँ प्राइसिंग ठीक ही है, सैमसंग का स्मार्टफोन है तो अच्छी प्राइसिंग ही है। और ये स्मार्टफोन हमें अगले महीने तक इंडिया में देखने को मिल सकता है। Infinix Hot 35G जो स्मार्टफोन है, इसकी ऑफिशियल प्रोमो इमेज सामने आई है जो कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो देख लो Infinix Hot 35G स्मार्टफोन आपको कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है। Samsung Galaxy M34 5G जो स्मार्टफोन है, ये काफ़ी जल्दी लॉन्च होने वाला है, और आज इस स्मार्टफोन के ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन सामने आए हैं जो कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। और स्मार्टफोन की प्राइसिंग की बात करें तो ये स्मार्टफोन हमें इंडिया में 18 to 19,000 के अराउंड हमें देखने मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेस्ट प्राइस देने वाली है। अगर ये स्मार्टफोन अंडर 20,000 के अराउंड देखने को मिल जाता है तो मैं कह रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा किलर स्मार्टफोन ये रहने वाला है। और स्मार्टफोन की प्राइसिंग मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, आपको इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग और स्पेक्स कैसे लगे आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। Realme C51 जो स्मार्टफोन है, या सिरिम और इंडियन BIS सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हो गया है, जिसकी डिटेल आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो देख लो Realme का अफोर्डेबल स्मार्टफोन हमें काफ़ी जल्दी इंडिया में देखने को मिलने वाला है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट हो जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दिएगा। मिलते हैं कल शाम को 4 बजे।